नमस्कार स्टूडेंट्स मैं तुषार चौहान स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे नीट और सीई का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेशन सर्कुलेशन इस चैप्टर का जो ल्यूकोसाइट्स है डब्ल्यू है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कुछ स्टडी कर रहे थे उसमें हम ग्रैनुलोसाइट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टडी कर चुके हैं आज हमको आ, है, जो दूसरा टाइप है ल्यूकोसाइट्स का डब्ल्यू का तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टडी करने हैं लर्न करने है. इससे पहले नो पार्ट्स में हमने नब्बे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है वो वीडियोस आप देखो चैनल को लाइक like करो चैनल को सब्सक्राइब करो आज का जो टॉपिक है अग्रैन्युलट्स उसके ऊपर हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलट हियर द क्वेश्चन आरइज ऑन द अग्रेन्युलोसाइट डैट डैश डैश शोज एब्सेंस ऑफ ग्रेन्युअल्स इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में किसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूअल्स जो है वो एब्सेंट है किसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूअल्स एबसेंट है तो उसका आंसर है क्योंकि आ, अगर ग्रैनुलोसाइट्स है तो उसमें तो ग्रेन्यूअल्स प्रेजेंट है लेकिन उसका जो ल्यूकोसाइट्स का जो दूसरा टाइप है ग्रैनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का जो दूसरा टाइप है अग्रैन्युलसाइट्स डेट्स वाई आंसर इज अग्रैन्युलोसाइट्स शोज एबसेंस ऑफ ग्रेन्यूअल्स इन द साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूअल्स इसके प्रेजेंट नहीं है नाइनटी टू नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रेन्यूलोसाइट आर अबाउट अभी ये जो अग्रैन्युलोसाइट्स से इसका इसका परसेंटेज कितना है डब्ल्यू काउंट अगर हम करते हैं तो उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स तो 72 परसेंट है हमने पीछे देखा था पिछले वाले वीडियोस में पिछले वाले लेक्चर्स में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि वो 72 परसेंट में होती तो 72 परसेंट में अगर ग्रैन्युलोसाइट्स से तो रिमेनिंग जो है ट्वेंटी में वो क्या है अग्रैनुलोसाइट से डैट्स वाई अग्रैनुलोसाइट्स आर अबाउट ट्वेंटी 28 एट परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी टोटल डब्ल्यू बी सी उसकाउंट है देखा था माइलॉइड स्टेम सेल से ग्रेन्यूलोसाइड का डेवलपमेंट होता है हमने कौन से चैप्टर में कौन से वीडियो में देखा था पिछला जो वीडियो है पार्ट नाइन उसमें हमने देखा था कि जो ग्रैनुलोसाइट्स ये ग्रैनुलोसाइट्स किससे डेवलप होती है माइलिनोइड स्टेम सेल से डेवलप होती है और अगर एक बार उसका डेवलपमेंट हो गया तो फिर उसमें माइटोसिस होता नहीं वो डिवाइड रीडिवाइड होती नहीं है लेकिन हमको पूछा क्या गए ये इंपॉर्टेंट है डैश डैश आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोइड स्टेम सेल से कौन डेवलप होता है और अगर वो डेवलप उसका वो डेवलप हो गई एक बार तो उसमें माइटोसिस होता रहता है बाद में वो फिर से डिवाइड होगी रीडिवाइड होगी डिवाइड होगी रीडिवाइड होती होगी तो उसका आंसर है आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल एंड कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस नाइनटी फोर नंबर का क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ डैश इज लार्ज बट धिस न्यूक्लियस इज नॉट लॉबुलेटेड ग्रैन्योलोसाइड्स में हमने देखा न्यूक्लियोसाइट्स जो है न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस लॉबुलेटेड न्यूक्लियस है तो यहाँ पे न्यूक्लियस लार्ज है लेकिन लॉबुलेटेड नहीं है किस में आगे आंसर इज अग्रैन्युलोसाइट्स अग्रैन्युलोसाइट्स में जो न्यूक्लियस है वो तो लार्ज है बड़ा वाला न्यूक्लियस है लेकिन वो क्या नहीं है लॉबुलेटेड नहीं है नाइन्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन डैश डैश आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू कौन से अभी देखो ग्रैनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स लिम्पोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स लिम्पोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों प्रकार है ग्रैनुलोसाइट के तो इसमें जो है लिम्पोसाइट जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है डब्ल्यू अभी हमने ग्रैन्युलोसाइट्स के तीन टाइप देखे न्यूट्रोफ़िल है, फिर अग, के दो, दो टाइप है लिंफोसाइट और मोनोसाइट तो इन सब पांच टाइप में पांच प्रकार की है जो डब्ल्यू बी सीज इसमें सबसे छोटी वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है साइज के हिसाब से तो वो है लिंफोसाइट्स डेट्स वाई आंसर इज लिंफोसाइड्स लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू बी सीज देन लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट लिम्फोसाइट्स का जो प्रपोर्शन है वो कितना है डब्ल्यू बी सीज में तो लिम्पोसाइट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट वन टू थ्री परसेंट टू ऑफ टोटल का जो कंस्टिट्यूशन है उसका जो प्रपोर्शन है वो कितना है तो वन से लेके थ्री परसेंट तक उसका कंस्टिट्यूशन है या प्रपोर्शन है टोटल डब्ल्यू बी सी अकाउंट में दे नाइनटी सेवन नंबर का क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन डैश डैश आर प्रेजेंट एज बी लिंपोसाइट एंड टी लिंपोसाइट उसके फंक्शन के ऊपर उसके दो टाइप्स पड़ते तो वो कॉर्पोस्क कौन सी तो यहां पे दिया है कि उसके दो टाइप होते हैं लिम्फोसाइट डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट एज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट तो आंसर इज का लिम्फोसाइट डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन लिंफोसाइट्स आर प्रेजेंट एज बी लिंपोसाइट एंड टी लिंपोसाइट देन आगे वाला क्वेश्चन है नाइनटी एट नंबर का क्वेश्चन है डैश डैश लिंपोसाइट आर मैच्योर इन बोन मैरो बोन मैरो में कौन सी लिंपोसाइट इसमें से मैच्योर होती है तो आंसर है उसका बी लिंपोसाइट बिलिम्फोसाइट्स आर मैच्योर इन द बोन मैरो बोन मैरो में मैच्योर होने वाली लिम्पोसाइट है बी लिंपोसाइट देन डैश डैश लिम्पोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कौन सी लिम्फोसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो आंसर है उसका बीलिम्फोसाइट बिलिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बीलिम्फोसाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है Again, आगे वाला क्वेश्चन है हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी इम्यूनिटी तो प्रोड्यूस करने का काम करती है बी लिम्फोसाइट हमारे हंड्रेड क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हो गए और अभी तक हमारा जो प्रॉपर में स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट है ये जो पॉइंट है ये शुरू भी नहीं हुआ है तो ये जो क्वेश्चन है दस पार्ट में जो आए हैं ये आपको एक नोटबुक कर सकते हो आप और उस नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख सकते हो आपको लिखने चाहिए ताकि आप हमेशा उसको क्या कर सकते पढ़ सकते हो बार बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएंगे ये सब क्वेश्चन के आंसर ये आज के हमारे दस क्वेश्चन थे उनको हम आ, उनका हम रिसाइट करते हैं डैशैश्रेन्यूअल्स इन साइटोप्लाजम एंसर है अग्रैनुल्लाज नाइनटी टू नंबर का क्वेश्चन है अग्रैनुलर डैश डैश परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सीज एंसर है अग्रैन्युलट्स आर ट्वेंटी एट परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यू बीसीज आंसर है उसका ट्वेंटी एट परसेंट डैश आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फॉइड सेल एंड कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस लिम्फॉइड स्टेम सेल एंड कैन बी डिड बाय माइटोसिसन नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ डैश इज लार्ज बट नॉट लॉबलेट एंसर है उसका अग्रैन्युल

टू थ्री परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू देन 97 नंबर का क्वेश्चन है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ लिम डैश डैश आर प्रेजेंट एज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट किसके फंक्शन के ऊपर उसका दो टाइप तैयार होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आंसर है लिम्फोसाइट डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स दे आर प्रेजेंट एज बीलिम्पोसाइट एंटी लिंपोसाइट देन नाइंटी एट नंबर का क्वेश्चन है डैशडेट लिंपोसाइट्स आर मैच्योर इन बोनमैरो बोनमैरो में मैच्योर होने वाली लिम्पोसाइट कौनती कौन सी है तो बी लिंपोसाइट्स आर मैच्योर इन बोनमैरोशडेस्ट लिंपोसाइड्स आर एसोसिएटेड विथ एंटीबॉडी प्रोडक्शन आंसर है उसका बी लिंपोसाइट्स डैट्स वाई पूरा स्टेटमेंट होगा बी लिंपोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है डैश डैश लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते आंसर है बी लिम्फोसाइट पूरा स्टेटमेंट होगा बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस ह्यूमरल इम्यूनिटी ये थे आज के दस क्वेश्चन चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आज का जो हमारा Uh, दस क्वेश्चन का जो कुछ एक्सप्लेनेशन uh, था वो लेक्चर आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू थैंक यू